फिर जब हम पार्लर से मेकअप कराते हैं किसी वेडिंग में तो वो पूरा दिन कैसे चलता है। हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई स्किन के लिए आप मेकअप किट जो है वो कैसे बना सकते हो और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप भी बिगनर हो और आपकी ड्राई स्किन है, आपको प्रोडक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। फर्स्टली, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको कोई भी मैट प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, ये आपकी स्किन को और ड्राई कर देगा और फिर आप उसके ऊपर मेकअप करोगे तो वो एकदम फ्लेकी, क्रैकी और पैची सा हो जाएगा। सो आपको कैसे प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज करने हैं? सो आपको हमेशा वो प्रोडक्ट लगाने हैं जो कि बहुत हाइड्रेटिंग हो। बहुत थिक थिक क्रीम्स लगाओ, बहुत थिक थिक सनस्क्रीन्स लगाओ, अपनी टाइप का सनस्क्रीन लगाओ, हर टाइप का सनस्क्रीन मत लगाओ। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है कि आपकी ड्राई स्किन है तो आपको कौन सा वाला सनस्क्रीन लगाना है, बिकॉज सनस्क्रीन भी कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीसी होते हैं, कुछ मैट फिनिश वाले होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आपकी ड्राई स्किन है और आप मैट फिनिश वाले सनस्क्रीन लगा रहे हो या मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट लगा रहे हो जो कि ऑलरेडी आपकी स्किन को और ड्राई कर रहा है। मैं एक एक करके आपको हर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी और हर स्टेप के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप आता है कि आपकी स्किन के ऊपर खूब सारा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। वाटर बेस्ड वाले मॉइस्चराइजर्स मत ले लो, हल्के मॉइस्चराइजर मत लो, थिक क्रीम वाले मॉइस्चराइजर जो होते हैं वही अप्लाई करो। उसके बाद ऐसे मार्केट में फेशियल ऑयल स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए बने हैं। अगर आपने ये प्रोडक्ट लगा लिया और फिर आपने मेकअप कर लिया, एक, आपका मेकअप कभी भी फटेगा नहीं, नंबर टू, आपका मेकअप काफी ज्यादा ड्यूई और सुंदर होगा। नो मैटर अगर आप हल्का सा भी एफर्ट लगा रहे हो ना, ऐसा लगेगा आपने बहुत सारा अच्छे से मेकअप करके आए। दिस इज दी ओनली सीक्रेट, जब हम पार्लर से मेकअप कराते हैं किसी वेडिंग में तो वो पूरा दिन कैसे चलता है, जबकि अगर हम खुद से करके जाते हैं तो मेकअप फटना शुरू हो जाता है। और तो वो सिर्फ इसीलिए उड़ता है बिकॉज हम लोग जो है ना फेशियल ऑयल्स यूज नहीं करते हैं, स्पेशली जब हम वेडिंग्स में जा रहे हो या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी। अगर आपकी ड्राई स्किन है, यू शुड ट्राई दिस ऑयल। ये ऑयल ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग भी ले सकते हैं, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यूज फॉर द ड्राई स्किन पीपल। नाउ यू कैन सी, हमेशा ध्यान देना है कि एक प्रोडक्ट के बाद आपको कम से कम 1 मिनट तक का वेट करना है। ड्राई स्किन वाले, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो ना, हमेशा उसके ऊपर पढ़ो, उसके ऊपर लिखाओ ऑयल बेस्ड, हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपके चाहे फाउंडेशन है चाहे आपका प्राइमर है। नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर लगाना। कुछ प्राइमर्स होते हैं, उनको लगाते ही आपकी स्किन एकदम टाइट टाइट फील करती है, तो दैट इज नॉट फॉर यू, बिकॉज वो है मैट प्राइमर जो ऑयली स्किन वालों के लिए बने हैं, आपके लिए नहीं। जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें दूसरा वेरियंट भी आता है, वो है मैट प्राइमर। ये है अब ऑयली स्किन वालों के लिए। ये गलती मत कर लेना कि आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाला प्राइमर लेके बैठ गए। हमेशा ड्यूई, हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, लॉन्ग लास्टिंग, इस तरह के प्रोडक्ट लीजिए। उसके बाद आता है हमारा कलर करेक्टर या कंसीलर, जिससे हम ये स्पॉट्स, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, इन सबको छुपाएंगे। आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो, बट आपकी स्किन से 2 शेड डार्कर होना चाहिए। जैसे कि आपके दाग धब्बे आपके फेस पे डार्कर हैं, इनको छुपाने के लिए थोड़ा सा डार्क कंसीलर जो है वो आपको लगाना ही पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखें, जब आप सारे क्रीम प्रोडक्ट लगा लें उसके बाद ही सारे पाउडर प्रोडक्ट स्टार्ट करें। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने ये क्रीम प्रोडक्ट लगाया, फिर पाउडर प्रोडक्ट लगा लिया, फिर आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाया। इट्स नॉट अ सैंडविच, आपका फेस जो है एकदम वो पैची और क्रैकी सा हो जाएगा। बट इसको भी तो सेट करना बहुत जरूरी है ना, तो इसे सेट कैसे करें? आपको मेकअप फिक्सिंग स्प्रे भी चूज करके लेना है अपनी स्किन टाइप का। ये आपके बेस को जो है ड्राई नहीं करेगा। जस्ट इमेजिन अगर आपका बेस अभी ड्राई हो गया और आप इसके ऊपर कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, तो ड्राई स्किन कैसी होती है? वो खिंच जाती है। जब वो खिंच जाएगी तो आपका मेकअप भी खिंच जाएगा, और जब आपका मेकअप भी खिंच जाएगा तो वो ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद ही ड्राई होके निकलना शुरू हो जाएगा, फ्लेकी बन जाएगा, पैची बन जाएगा। तो आपको हर प्रोडक्ट जो है वो सोच समझ के ही लेना है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई और नॉलेज चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आती है बात फाउंडेशंस की। तो फाउंडेशन कैसे लें? मैट फाउंडेशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा। मैट फाउंडेशन क्यों नहीं लेने हैं? बिकॉज मैट फाउंडेशन हमारे फेस को मैट कर देंगे। हमें तो हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट चाहिए बिकॉज ऑलरेडी हमारी स्किन ड्राई है। सो फाउंडेशन ऐसे लीजिए, ग्लो सीरम फाउंडेशन। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है सीरम फाउंडेशन, तो ये फाउंडेशन जो है वो अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। और अगर आपने बाई चांस कोई और फाउंडेशन ले रखा है और आपको उसे वेस्ट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? अगेन वही स्टेप, जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ फेशियल ऑयल। आप कोई भी फेशियल ऑयल ले सकते हो। मैं मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है इस बेस मेकअप को सेट करना। हमेशा इस तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर्स पे जाएं, बिकॉज आपकी ड्राई स्किन है, आपको ज्यादा पाउडर्स नहीं लगाने हैं। अब आते हैं ब्लश की ओर। ब्लश खासियत होती है, पता है, जब हम लिक्विड ब्लश लगाते हैं या कोई भी आप लिप एंड चिक टिंट लगाते हो तो क्या होता है, वो थोड़े लंबे समय तक
तक टिका रहता है, बट कंटूरिंग अगर गलत होगी ना तो आपका पूरा जो मेकअप है ना वो ब्राउन ब्राउन सा लगने लगेगा और वो पूरी फैल जाएगी, उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंटूरिंग हमेशा पाउडर से करिए, ब्रश पकड़ के जब आप कंटूर करोगे ना हल्का हल्का, तो वो आपका हाथ जो है वो सेट रहेगा और आप कम से कम प्रोडक्ट लगाएं, फिर आप बाद में बिल्डअप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा और प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको कंटूरिंग में डिटेल वीडियो चाहिए ना, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगी कंटूरिंग के ऊपर। नेक्स्ट, यू कैन यूज़ एनी आई शेडो पैलेट। आई मेकअप प्रोडक्ट ना आप कोई भी ले सकते हो, मतलब जो भी आपको सूट करते हैं या जो भी आप यूज़ कर रहे हो इतने टाइम से, आप वो ही यूज़ करिए अगर आपको वो कंफर्टेबल है। ये सारे प्रोडक्ट्स ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ट हैं फॉर ड्राई स्किन।